हत्या करी गई है उसकी, वो खुदकुशी नहीं करता। अल्लाह, किस आरोप में ले गए थे उठा के? वो लड़की की मैटर में, मेरा लड़का काम करके आया था, रोटी खाने बैठा तो ऐसी उठा ले गए कि लड़की कहाँ है, चक में ले गए और हमें मिलने नहीं दिया। जब हमारा लड़का चीनगढ़ में पहुंचा दिया तब खबर करिए सो भी हमारे मोहल्ले के दान पुराना है उसने, तब हम सब पूरा मोहल्ला भागते गए। तो अभी नहीं दिखाया, पोस्टमार्टम से पहले दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते हैं कहीं। मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैं आतंकवादी था ये बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। इस शेर का हकीकी रूप हाल ही में यूपी के कासगंज में देखने को मिल गया, जहां पुलिस हिरासत में एक नौजवान मार दिया गया, क्योंकि मोदी ने बार बार कहा है कि मेरा देश बदल रहा है। सही कहा था, देश बदल गया, इतना बदल गया कि एक 5-5.5 फुट का नौजवान जमीन से सिर्फ 3 फीट ऊंची पानी नल की टोटी में लटक कर आत्महत्या कर लेता है। ऐसा अद्भुत आविष्कार सिर्फ मोदी योगी राज में ही मुमकिन है कि 5 फीट लंबा इंसान महज 3 फीट ऊंची टोटी से फांसी लगाने लगा। जी हाँ, इस चमत्कार की खबर कासगंज के कप्तान ने देश को दी। हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया, उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुदने जो है वो कोशिश की थी। दरअसल कासगंज के चांदमिया के 21 साल के बेटे को अल्ताफ पर लड़के पर लड़की भगाने का केस बनाकर परेशान किया जा रहा था। बेटा बेकसूर था इसलिए देश के कानून पर भरोसा करने की भूल करते हुए चांद मियां ने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने रात में अल्ताफ को मौत की नींद सुला दिया। मियां है, मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस आपने अपने बच्चे को हमारे दिए तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मेरे अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज 24 घंटे के बाद में जो मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ, 21 साल। किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। गौर से देखिए तस्वीर में दिख रही थाने की हवालात में लगे नल की वही टोटी है जिसमें फंदा लगाकर अल्ताफ हत्या की कहानी पुलिस सुना रही है। बचपन में सुनी परियों की कहानी से भी कोसों आगे का अजूबा सुनाया जा रहा है। ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि मोदी ने ऐसे डिजिटल इंडिया का आविष्कार कर दिखाया कि अब जमीन से सिर्फ 1.5-2 फीट ऊंचाई पर लगी नल की प्लास्टिक की टोटी से फंदा लगाकर 5-5.5 फीट लंबा 21 साल का नौजवान आसानी से खुदकुशी कर सकता है। ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार तो खुद भगवान भी नहीं कर सकते जो योगी पुलिस ने कर दिखाया। हमारी बात का सबसे अहम पहलू यह है कि जवान बेटे के कत्ल के मामले में बूढ़े बाप का 24 घंटे के अंदर ही बयान पलट जाना खुद ही बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा खौफ पुलिस और भागने वाली लड़की के परिवार ने चांद मियां को दिखा दिया जिससे वो पढ़ाया गया सबक पढ़ने लगा? चांद मियां, जो आपके बेटे ने जो संदिग्ध तो मौत हुई थी जिला अस्पताल के हवालात में, उसको लेकर क्या कहेंगे, और जो आपने एक बयान जारी किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? जो मेरा नाम चांद मियां है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं,
मुझसे साइन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने साइन कर दिया, बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे पुलिस वालों ने ले गए अपना, उन्होंने फिर जो खाना पूरी करवाई है वो कर दी है मैंने। मुझे नहीं मालूम क्या लिखा था क्या नहीं, उन्होंने वो बताते गए, मैं शांत अंगूठा लगाता गया। अच्छा, तो ये जो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, और जबकि मैंने भी वो विरक देखी है, शायद आपने भी देखी होगी, और वो कोई एक डेढ़ फीट की विरक है, जबकि आपका बच्चा कोई पाँच साढ़े पाँच और छः फीट का लड़का है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आत्महत्या कर सकता था या डिप्रेशन में था? नहीं 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 नहीं, ये तो सब सारी बात गलत है, ये हो सकता है, ये इसका और कोई हाथ खेल रहा है इसके साथ। जो लेके गया है यहाँ से उठवा के, वही हो सकता है इसमें पंडित जी हाथ खेला। उसके लड़के ने चैलेंज किया था मेरे को, मेरे बच्चे को, कि सच सच कबूल दे, नहीं कबूलता है तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। ये जो दूसरा पक्ष है, लड़की पक्ष में बताया जा रहा है, हाँ, तो उन्होंने आपको एक दिन पहले धमकी दी थी, और इसके बाद ये यही लोग आपके बच्चे को लेके गए, और इन्होंने उम्मीद है कि इन्होंने ही मेरे साथ ये काम किया गया और इनमें सहायता की है। जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना है आपका? चार मुझे हाथ है, मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, जब मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूम बात करी, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा दी है, तो मैंने उसको देखने के बावजूद भी मैंने उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने आए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार मेरे बच्चा उन्होंने मेरे साथ में अच्छा किया था। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट।